हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं लगभग 27-28 दिन बाद आपके सामने एक वीडियो लेके आई हूँ। यह वीडियो मेरा किसी फ्लावरिंग प्लांट या किसी पर नहीं है, बस खाली जिन अपनी मुसीबतों से मैं गुजरी हूँ उन्हीं के बारे में आपसे इस वीडियो में मैं बात करूँगी। फ्रेंड्स, होली के 2 दिन पहले से ही मुझे फीवर आना शुरू हुआ और मेरा फीवर तो 1 हफ्ता 10 दिन चला। सारे टेस्ट कराए गए, कुछ नहीं निकला। मेरा तो ठीक हो गया फीवर, मैं स्वस्थ हो गई, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाती थी। 1-2 वीडियो जो बनाई थी और होली की वीडियो मेरे बच्चों ने ही डाला था। मेरी एक पोती है 12 साल की, वो कुछ शॉर्ट्स बना के डालती रही कि मेरा चैनल कंटिन्यू रहे, और मैं कुछ नहीं कर पाई। आज मैं इतने दिन बाद अपने गार्डन में आई हूँ तो मैंने सोचा कि अपने मन की कुछ व्यथा आप लोगों से शेयर करूँ। मैं तो ठीक हो गई, लेकिन हमारे छोटे बेटे और बहू दोनों को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया और इतने सीवियर स्थिति हो गई कि वो दोनों लोग हॉस्पिटलाइज हो गए। 10 दिन हमारा कैसे गुजरा हम ही जानते हैं। उनके छोटे छोटे 2 बच्चे, 1 6 साल का बेटा, 1 3 साल की बेटी, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको देखना। और हॉस्पिटल में उन लोगों से तो हम लोग कभी मिल ही नहीं पाते थे। 5 दिन तो कोई हाल चाल ही नहीं मिला वही वहाँ के गार्ड या चौकीदार से, जो कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता था हालचाल। लेकिन 5 दिन बाद जब उनके पास हम लोग फोन दे पाए और वो कुछ बोलने की स्थिति में हुई, तब तो उसी फोन से कुछ हालचाल मिलता था। वह मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल दौर था, समझ लो मेरे बच्चों का पुनर्जन्म हुआ। फ्रेंड्स, इस कारण मैं वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन किसी ने मुझे बहुत संवेदना भरे शब्द लिखे। जिनको मैं बहुत आभारी हूँ। बस आज के वीडियो में इतना ही। मैं तो कहती हूँ भगवान ने जैसे मुझे इस विपत्ति से उबारा, वैसे भगवान सबको इसी तरह से मदद करे। ईश्वर सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। और बहुत ही मुश्किल दौर चल रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, रोज 1 से 1 खबरें सुनने को मिलती हैं, दिमाग बहुत खराब रहता है। अभी भी कुछ करने का मन नहीं करता है, लेकिन मैंने सोचा कि लाओ आज आप लोगों से शेयर करूं और थोड़ा अपने मन के बोझ को हल्का करूं। बस मेरा उद्देश्य इतना ही था। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।